वर्ष 2038 में वैज्ञानिक जॉर्ज अल्मोरे एक जापानी जंगल में विशाल आर्टिसन रोबोटिक्स परिसर में एकांत में हैं। उनके साथी दो रोबोटिक रचनाएं J1 और J2 हैं, जो सहायक और साथी दोनों के रूप में काम कर रहे हैं। J2 दूसरा प्रोटोटाइप कार चलाने के बारे में जॉर्ज के साथ एक सपना साझा करता है और जागने पर लंबे समय तक रहने वाला दुख व्यक्त करता है। वो उल्लेख करती है कि कोई उससे बात करना चाहता है और जॉर्ज कॉल करने वाले का अनुमान लगाता है। बाद में जॉर्ज अपनी पत्नी जूल्स अल्मोरे के साथ बातचीत करता है, जो कठिनाई का एहसास कराती है। वह उसे सूचित करती है कि वह अब उससे बात नहीं कर सकती और उसके वर्तमान एकांत में उसकी खुशी की आशा व्यक्त करती है। बातचीत से जॉर्ज हैरान रह जाता है और अचानक वह खुद को जूल्स के साथ एक स्वायत्त कार में पाता है। चंचल मनोदशा के बावजूद जॉर्ज सेल्फ ड्राइविंग सुविधा पर भरोसा करने में झिझक रहा है, क्योंकि उसने इसे डिजाइन नहीं किया है। वर्तमान में जॉर्ज अपने बॉस सिमोन के साथ अपनी प्रगति पर चर्चा करता है, जो पिछले दो वर्षों में सफलता की कमी की आलोचना करता है। J1 और J2 को दो भयानक चीजें बताता है। सिमोन ने जॉर्ज से शेष 3 वर्षों के भीतर अपने शोध में तेजी लाने का आग्रह किया। कॉल के बाद जॉर्ज और J2 ने संभावित शटडाउन को रोकने के लिए सिमोन के ज्ञान को सीमित करने के बारे में चिंता साझा की। वे सिमोन के कठोर फैसले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करते हैं। अपने काम को जारी रखते हुए जॉर्ज ने J3 नामक एक नए प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जो दिखने में बिल्कुल मानव जैसा है। उससे अनभिज्ञ J2 उसकी प्रगति को देखता है। अपने तीसरे प्रोटोटाइप के निर्माण के बीच जॉर्ज को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि J2 सवाल करता है कि वो उसके काम में शामिल क्यों नहीं है और उसके आश्वासन के बावजूद विस्थापन की भावना व्यक्त करता है। जॉर्ज इस बात पर जोर देते हैं कि नया प्रोटोटाइप उनकी जगह नहीं लेता है, लेकिन J2 अनिश्चित बना हुआ है, खुद की तुलना अपने पूर्ववर्ती J1 और उभरते प्रोटोटाइप से करता है। J2 के आंतरिक संघर्ष को देखते हुए जॉर्ज ने बातचीत से बचने का प्रयास किया और उसे ठंड के कारण घर के अंदर लौटने का निर्देश दिया। निडर होकर जॉर्ज ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सफलतापूर्वक स्थापित करते हुए तीसरे प्रोटोटाइप पर काम फिर से शुरू किया। अप्रत्याशित रूप से नया रोबोट जूल्स की यादों को याद करना शुरू कर देता है, जिससे परेशानी होती है। जॉर्ज सहानुभूतिपूर्ण उसे समायोजित करने की अनुमति देने के लिए उसे हाइबरनेशन में रखता है। अगले दिन जॉर्ज को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ता है, उनके प्रवेश द्वार पर एक कुत्ता। स्थिति को संबोधित करने का प्रयास करते हुए वह सिस्टम को प्रवेश द्वार बंद करने का आदेश देता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। J2 मासूमियत का दिखावा करते हुए सहायता करने के अवसर का गुप्त रूप से आनंद उठाता है। जैसे ही वे सिस्टम को ठीक करने के लिए मिलकर काम करते हैं, एक वाहन आता है जो उनके अलग थलग अस्तित्व में एक नया मोड़ लाता है। आर्काइव कंपनी के प्रतिनिधि मिस्टर सिंक्लेयर और मिस्टर मेलविन अप्रत्याशित रूप से एकांत आर्टिसन रोबोटिक्स परिसर में जॉर्ज से मिलने जाते हैं। जवाब में जॉर्ज ने J1 और J2 को आगंतुकों के जाने तक अपने स्टेशन में रहने का आदेश दिया, जिससे गोपनीयता और तात्कालिकता की भावना प्रकट हुई। आगंतुक जॉर्ज को उनकी पत्नी के तंद्रा में चले जाने के बारे में सूचनाओं के बारे में सूचित करते हैं, एक ऐसी स्थिति जो इष्टतम उपयोग के लिए संग्रह मशीन की स्थिति की जांच करने में उनकी रुचि जगाती है। जबकि श्री सिंक्लेयर जॉर्ज के साथ अनौपचारिक बातचीत में संलग्न है, उनका ध्यान बटा हुआ लगता है और श्री मेलविन द्वारा संग्रह मशीन की जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान श्री मेलविन को सुरक्षा सीलों और पर्यावरण प्रणालियों में अनियमितताएं मिली, जो छेड़छाड़ का संकेत देती हैं। जॉर्ज प्रतीत होता है कि सतर्क हो गया है, अनिच्छा से किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है और सिस्टम में त्रुटियों के लिए दोबारा जांच का अनुरोध करता है। संदेह तब बढ़ता है जब श्री मेलविन जॉर्ज को याद दिलाते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए संग्रह का उपयोग करने में कानूनी रूप से मृत उपयोगकर्ता के अवशेषों का भंडारण शामिल होता है, जिससे कथा में कानूनी जटिलताएं आती हैं। पुरालेख कंपनी के प्रतिनिधियों के रूप में पुरालेख मशीन के उपयोग से संबंधित कानूनी दायित्वों को लागू करने के लिए जॉर्ज को अपनी पत्नी के आसन प्रस्थान के विचार का विरोध करते हुए भावनात्मक आक्रोश का सामना करना पड़ता है। श्री मेलविन ने जॉर्ज को पोस्ट डेथ इंटरमेंट एक्ट के तहत संभावित कानूनी परिणामों की चेतावनी दी, जिससे तनावपूर्ण टकराव हुआ, जहां जॉर्ज ने ठोस सबूत की कमी को चुनौती देते हुए बेगुनाही का दावा किया। ये जानते हुए कि सबूत सामने आ सकते हैं, जॉर्ज कानूनी नतीजों से बचने के लिए अथक प्रयास करते हुए J3 को पूरा करने के अपने प्रयासों को तेज कर देता है। अपने स्टेशन पर लौटकर वह J3 को हाइबरनेशन से पुनर्जीवित करता है, ये समझाते हुए कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य आघात को कम करना है। उसके भ्रम और याददाश्त की कमी के बावजूद जॉर्ज ने J3 को आश्वस्त किया कि उसका सॉफ्टवेयर पैटर्न का पुनर्निर्माण कर रहा है।
फिल्म तब सामने आती है जब जॉर्ज स्वाद, स्मृति और सहानुभूति की खोज करते हुए J3 पर विभिन्न परीक्षण करता है। वह उसे विभिन्न स्वादों, शब्दों और सहानुभूतिपूर्ण परिदृश्यों से परिचित कराता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी निकालता है। एक स्पष्ट क्षण में J3 ने जॉर्ज के चेहरे पर एक निशान देखा, जिससे उसने एक दुर्घटना से इसकी उत्पत्ति का खुलासा किया। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ता है, जॉर्ज J3 को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उसे अपने नए अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाने में आसानी होती है। J1 प्रवेश करता है और जॉर्ज उसकी गतिशीलता संबंधी समस्याओं के बारे में बताता है और उसके निर्माण को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का खुलासा करता है। जूल्स को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने की खोज में जॉर्ज ने उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के जटिल विवरणों का खुलासा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने खुलासा किया कि J1 और J2 का मस्तिष्क विकास विशिष्ट उम्र में रुक गया, प्रत्येक को बाद के संस्करण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया गया। उनसे अनभिज्ञ J2 गुप्त रूप से CCTV के माध्यम से इन खुलासों को देखता है, जिससे ईर्ष्या की भावनाएं भड़कती हैं और संभावित रूप से J3 को नष्ट करने की एक भयावह योजना बनती है। रात के पर्दे के नीचे जब जॉर्ज सोता है, J2 तहखाने में तबाही मचाता है, महत्वपूर्ण उपकरणों को नष्ट कर देता है। इस बीच जॉर्ज के सपनों से उसकी पत्नी की यादें उजागर होती हैं। बाद में उन्होंने जापान में 3 साल के शोध की आवश्यकता वाली नौकरी की पेशकश के बारे में जूल्स के साथ रोमांचक समाचार साझा किया। उसकी प्रारंभिक खुशी के बावजूद जब वे निहितार्थों से जूझते हैं तो तनाव बना रहता है। अचानक हुई कार दुर्घटना से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, जिससे वे जॉर्ज के दुस्वप्न में एक वाहन दुर्घटना में फंस जाते हैं। टूटी हुई खिड़की और J3 की अनुपस्थिति को देखकर जॉर्ज को चोरी का डर होता है। दृढ़ निश्चय करके वह हवाई उपकरणों से जंगल की खोज करता है, लेकिन कोई निशान नहीं पाता है। अगले दिन जैसे ही हताशा बढ़ती है, जूल्स फिर से प्रकट होता है। वे संग्रह नामक एक अभूतपूर्व तकनीक पर चर्चा करते हैं, जो मृत प्रियजनों के साथ 200 घंटों तक आमने सामने बातचीत की अनुमति देती है। जॉर्ज समापन की मांग करते हुए अपनी दिवंगत पत्नी के लिए लालसा व्यक्त करता है। हालांकि जूल्स मशीन में फंसने के विचार का पुरजोर विरोध करता है और गायब हो जाता है, जिससे जॉर्ज को पीड़ा होती है और वो अभी भी J3 का पता लगाने में असमर्थ है। देर दोपहर में बेस पर लौटते हुए जॉर्ज को एक अप्रत्याशित मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, जब J3 एक दराज से उस पर गिर जाता है, कमजोर होता है और उस पर राक्षस होने का आरोप लगाता है। उसे शांत करना चुनौतीपूर्ण साबित होता है, लेकिन जॉर्ज जटिल स्थिति को समझाकर विश्वास बहाल करने का गंभीर प्रयास करता है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अभिलेखागार से डेटा निकाला, J3 के मस्तिष्क के जैव रासायनिक तत्व को पैटर्न पहचान सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े से जोड़ा। जॉर्ज ने J3 बनाने की साल भर चली प्रक्रिया को याद किया, जिसकी शुरुआत जूल्स के संकेतों से हुई और J1 और J2 के लिए व्यक्तित्व टेम्पलेट विकसित किए गए। उन्होंने J3 को आश्वस्त किया कि कोई चौथा प्रोटोटाइप नहीं होगा। उनकी बातचीत के दौरान जॉर्ज को पता चला कि J2 धमकी महसूस कर रहा था, एक रात पहले J3 को दस्तावेज कक्ष में लाया, उसे भविष्य के प्रतिस्थापन के बारे में बताया और उसे एक दराज में बंद कर दिया। नई समझ के साथ जॉर्ज J2 का सामना करता है, जो अपराध और पश्चाताप व्यक्त करता है। J2 का इरादा बिना किसी नुकसान के J3 को सच्चाई बताने का है, लेकिन जॉर्ज क्रोधित होकर J2 को बंद कर देता है और चला जाता है। इस बीच सिमोन ने जॉर्ज को सूचित किया कि संग्रह कंपनी उनके आविष्कारों पर चर्चा करना चाहती है, उन्हें उनकी तकनीक से संबंध होने का संदेह है। कंपनी 2 रोबोटों की बारीकी से जांच करना चाहती है, जो संभावित रूप से खुलासा करने वाली और हंगामेदार के लिए मंच तैयार कर रही है। सिमोन अपने शोध की गोपनीयता के बारे में जॉर्ज को आश्वस्त करने का प्रयास करती है, लेकिन कंपनी गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। जॉर्ज द्वारा घर में बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति समाप्ति का संभावित आधार बन जाती है। कुछ दिनों बाद वह अपने स्टेशन में J2 से भिड़ता है और खुलासा करता है कि उसने अपने काम के लिए आवश्यक तकनीक के साथ J3 के पैरों को उन्नत किया है। J2 इस्तेमाल किया हुआ और बेकार महसूस करते हुए अवसाद में पड़ जाती है, झरनों की सैर और लंबी सैर से सांत्वना पाती है, जिससे अंततः उसका काम बंद हो जाता है। जॉर्ज से अनभिज्ञ होकर J1 ने उसे J2 की भावनात्मक उथल पुथल के बारे में सूचित किया, लेकिन जांच करने पर जॉर्ज को कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई। जिसे वह J2 का नाटक मानता है, उससे नाराज होकर वह चला जाता है और सुझाव देता है कि वे बाद में बात करेंगे। इस बीच जॉर्ज और J3 आपस में जुड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं और नृत्य करते हैं, जिससे उनका संबंध और गहरा हो जाता है।
जेटू उनके बढ़ते प्यार को देखकर ये दृश्य सहन करने में असमर्थ हो जाता है। निराश और बेकार महसूस करते हुए जेटू विदाई लेता है। जे एक उसे थपथपाता है मानो अलविदा कह रहा हो और एक मार्मिक विदाई पत्र छोड़ता है। एक भयानक तूफान के बीच जेटू झील के किनारे खड़ा है, धीरे धीरे पानी के पास पहुंच रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और पूरी तरह भीगने तक सिग्नल खो रहा है। जॉर्ज एक उन्मत्त खोज में भावनात्मक रूप से ढह जाता है क्योंकि कंप्यूटर जे दो के साथ कनेक्शन के नुकसान की घोषणा करता है। जे दो का शव न मिलने पर जॉर्ज ने उसके सामान को दफनाने का फैसला किया और शाम को अंतिम संस्कार किया। उस रात जे तीन को एक सफलता मिली क्योंकि उसे जूल्स के मेमोरी डेटा का एक हिस्सा प्राप्त हुआ, जिससे उसे जूल्स और जॉर्ज के बीच प्यार का अनुभव करने का मौका मिला। जॉर्ज के बिस्तर पर लेटे हुए जे तीन को गलती से जूल्स समझ लिया जाता है, जिससे एक गलत चुंबन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास होने पर उसे बाहर निकाल देता है। अगले दिन जॉर्ज जे तीन को परिष्कृत करना जारी रखता है। जे तीन के अचेतन मन में जूल्स की यादों की झलक उभरती है। यादों में एक कार दुर्घटना शामिल है, जहां एक पुलिस अधिकारी एक मृत व्यक्ति के लिए एक संग्रह मशीन की आवश्यकता का उल्लेख करता है और जूल्स के गर्भवती होने की यादें भी शामिल है। इस सब के बीच सिमोन ने गुस्से में जॉर्ज को सूचित किया कि आर्काइव कंपनी ने झील के तल पर जे दो की खोज की है और उस पर उनका डेटा चुराने का आरोप लगाया है। सिमोन ने जॉर्ज को तुरंत नौकरी से निकालने का फैसला किया, जिससे उसे बेस के सभी सिस्टम बंद करने पड़े। जैसा कि जे तीन सिमोन को प्रतिपक्षी मानता है, यह मानते हुए कि वह जॉर्ज को नुकसान पहुंचा रही है, वो स्क्रीन को तोड़कर प्रतिक्रिया करती है। अनजाने में घटनाओं के इस उथल पुथल भरे मोड़ में खुद को जॉर्ज के साथ जोड़ लेती है। जब जॉर्ज दूर होता है, जे तीन आर्काइव मशीन में जूल्स के कॉल का जवाब देता है और उसे सूचित करता है कि जॉर्ज फोन पर नहीं आ सकता है और जूल्स के पूरी तरह से चले जाने के बाद वो उसकी देखभाल करेगी। उलझन में दूसरी पंक्ति में जूल्स जे तीन के गूढ़ संदेश को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस बात से अनजान है कि जे तीन अपने संग्रह की समाप्ति का उल्लेख कर रहा है। जब जॉर्ज वापस आता है तो वह जे तीन से फोन लेता है, जूल्स को अस्पष्ट आश्वासन देता है और जल्द ही सब कुछ समझाने का वादा करता है। हालांकि जे तीन इस रहस्य उद्घाटन से आश्चर्यचकित रह जाता है कि जॉर्ज जूल्स के संग्रह को उसे स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। अंत में जॉर्ज ने जे तीन की चेतना को मिटाने और इसे जूल्स की चेतना से बदलने के अपने इरादे का खुलासा किया, ये तर्क देते हुए कि यह एकमात्र समाधान है। अपने निधन की संभावना का सामना करते हुए जथ्री किसी भी जीवित प्राणी की तरह इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर देता है, निराशा व्यक्त करता है और घोषणा करता है कि जूल्स पहले ही मर चुका है। एक हताश चाल में जे तीन टूट जाता है और एक मामले से एक बंदूक निकालता है, इसे जॉर्ज पर तानता है क्योंकि वह उनकी स्थिति की वास्तविक प्रकृति और संग्रह कंपनी के उद्देश्यों के बारे में जवाब मांगती है। जॉर्ज ने जे तीन को बताया कि पुरालेख कंपनी उसकी जांच करना चाहती है, जिससे वह अचानक ज्ञान के प्रवाह से हतप्रभ रह जाती है। निराशा से भरी जथ्री यह महसूस करते हुए कि उसे कभी मौका नहीं मिला, जॉर्ज पर विश्वास करती है। उन्होंने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि उन्होंने जूल्स की मौत में दोषी होने के कारण छोड़े गए शून्य को भरने के लिए जे तीन का निर्माण किया, इस उम्मीद में कि उन्हें वह जीवन मिलेगा जो वे साझा करना चाहते थे। इस मार्मिक क्षण में जे तीन को जॉर्ज की मृत्यु और संग्रह में उसकी लुप्त होती उपस्थिति के बारे में पता चलता है। अपरिहार्य अंत के बावजूद जॉर्ज की चेतना का एक स्थायी पहलू लुप्त होने का विरोध करता है। जे तीन जूल्स के साथ जॉर्ज की खुशी की इच्छा से प्रेरित होकर संग्रह को उसके पास स्थानांतरित करने के लिए सहमति देता है, यह मानते हुए कि अब और समय नहीं बचा है। जॉर्ज प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। एक संक्षिप्त कोमा से बाहर आकर जे तीन जूल्स के व्यक्तित्व को मूर्त रूप देते हुए होश में आता है। जब तक फोन की घंटी नहीं बजती तब तक जॉर्ज को खुशी के एक क्षणिक क्षण का अनुभव होता है, जिससे नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। कंपनी की पुनर्प्राप्ति टीम जॉर्ज और उसके रोबोटों को उनके गुप्त उप प्रोजेक्ट के बाद पुनः प्राप्त करने के रास्ते में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिससे फिल्म में अस्पष्ट तत्व का परिचय होता है। अपने अवचेतन मन के अथक प्रतिरोध के बावजूद जॉर्ज बजते फोन के आकर्षण के आगे झुक जाता है, जो उसकी मौत के बारे में परेशान करने वाले सच का संकेत है। जे तीन पूर्व चेतावनी के एक क्षण में उससे उत्तर न देने का आग्रह करता है और उस कड़वी वास्तविकता पर जोर देता है जो उसका इंतजार कर रही है। सावधानी के बावजूद जॉर्ज रिसीवर उठाता है, जिससे वर्णक्रमीय कनेक्शन शून्य के माध्यम से गूंजने लगता है। जूल्स की आवाज दुख और स्वीकृति की एक मार्मिक धुन के रूप में फूटती है। रोते हुए उसने आर्काइव कंपनी के गंभीर संदेश का खुलासा किया, जॉर्ज की चेतना लुप्त होने के कगार पर है। यह शायद आखिरी बार होगा जब वो उसे कॉल कर सकेगी।
जैसे ही रहस्य उद्घाटन होता है, जॉर्ज को अपनी मृत्यु के बारे में पता चलता है। उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है और जूल्स गुमनामी में डूबने से पहले अंतिम फैसला कर रहा है। साहस जुटाते हुए जूल्स ने अपनी बेटी को जॉर्ज से बात करने के लिए राजी किया और अंतिम विदाई का एक कोमल आदान प्रदान शुरू किया। अपने गायब होने की अनिवार्यता का सामना करते हुए जॉर्ज की आंखों में आंसू आ गए। एक मार्मिक क्षण में वो गायब हो जाता है, अपने पीछे प्रेम और हानि की गूंज छोड़ जाता है। जैसे ही जूल्स ने फोन काटा, वह अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए जॉर्ज के गायब होने के शांत परिणाम में एक मार्मिक विदाई का भार लेकर चली गई। फिल्म कड़वी सच्चाइयों की लंबी गूंज और जीवन और उसके बाद के जीवन के बीच की सीमाओं को पार करने वाले प्रेम के कोमल लचीलेपन के साथ समाप्त होती है।